चीज पता है, एक तरफ मैं बना देता हूं यहां पे इस प्रकार से, ये मान लीजिए कि क्या है लंग्स है, और ये मान लीजिए क्या है कोशिका है, ठीक। अब इनको हम दोनों से इंटरलिंक कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक। यहां पे दोहरा सिस्टम में समझा देते हैं, आप इसको मान लीजिए एक होती है हमारे शरीर में आर्टरी और एक होती है वेंस, तो आर्टरी में ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है और ये वेंस में जो होता है डी ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है, तो इसमें हम समझ लीजिए कि यहां पे डी ऑक्सीजन ब्लड, या इसको हम क्या बोल लेते हैं सीरा बोल लेते, इसमें जब इस डी ऑक्सीजन ब्लड सीरा और वेंस यानी आर्टरी और वेंस में मेन अंतर क्या होता है, जो वेंस होते हैं उसमें डी ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है जबकि आर्टरी में ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है, तो ये क्या है कोशिका, या इसको हम लंग्स कह दें, ये क्या है लंग्स और ये क्या है सेल, ठीक। सेल में क्या प्रोसेस होती है आपको पता ही है कि यहां पे सेल में कोशिकीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है रिलीज होती है, ये चीज हमें पता है, इसकी डेफिनेशन या कुछ लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बस इतना मालूम है कि जो भोजन के अणु टूटते हैं वह कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उस माइटोकॉन्ड्रिया में यह ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जिसके दौरान की कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसी प्रकार लंग्स जो होता है लंग्स में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जो यहाँ पे आती है और यहाँ पे अंततः कहाँ आ जाती है वह एलुलाई में, तो ये मान लीजिए कि लंग्स की क्या है एलुलाई है, ठीक। देखिए यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन आती है लंग्स में बाहर से तो ये मान लीजिए कि O2 आ गई, ठीक। तो O2 आती है तो हमारे जो सेल है, अब यहाँ पे दोहरा परिसंचरण देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसके माध्यम से कहाँ पहुंचती है, ये विभिन्न माध्यमों से रुधिर माध्यम से, या इसको हम परिसंचरण तरह कह सकते हैं, ये कहाँ पहुंच गए लंग्स में पहुंच गए। अब लंग्स में पहुंचने के बाद यहाँ पे देखिए लंग्स में यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डी ऑक्सीजनेट ब्लड है। अब यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है कि लंग्स में जो ऑक्सीजन है इसका आंशिक दबाव या इसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं वह ज्यादा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, जबकि वेन में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक प्रेशर ज्यादा है, तो इसके कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी यहाँ पे अंदर आ जाएगी और यहाँ की ऑक्सीजन जो है वह इस ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी। अब ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आता है तो हमारे रुधिर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड हीमोग्लोबिन के साथ में यहाँ कंबाइंड हो जाती है या बन जाती है, जिसके कारण यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है और कहाँ पहुंच जाती है अंततः यह कोशिका में पहुंचती है और कोशिका में फिर से यह एचबी और O2 में टूट जाती है, यह O2 फिर से आंशिक प्रेशर के कारण यहाँ पे अंदर आ जाता है और यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड पुनः इसमें आ जाता है, तो इस प्रकार कोशिका और लंग्स में यह इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है जिसको बोलते हैं कि श्वसन गैसों का आदान प्रदान। श्वसन गैसों का आदान प्रदान प्रमुखतः विसरण विधि पर यहाँ पे निर्भर करता है, या जो आंशिक दबाव होता है या जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं उस पार्शियल प्रेशर के कारण यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है और इस प्रकार इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहाँ पे सेल में भी होता है और लंग्स में भी होता है, तो इस प्रकार यह प्रक्रम जो है वह चलते रहता है, इसको बोलते हैं हम मानव में श्वसन तंत्र। यह एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें रुधिर परिवहन तंत्र भी आता है, इसमें कुछ पार्ट कोशिकीय श्वसन का भी आता है, इसमें कुछ पार्ट मैकेनिकल का भी आता है, तो यह तीनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे एक कंप्लीट जो है यह रेस्पिरेटरी ट्रेक या जिसको हम
जो श्वसन तंत्र बोलते हैं, इस प्रकार से यह होता है। अब देखिए कुछ ऐसी बातें हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वह HbCO2 या कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 25-30% होता है, 25-30%, जबकि बाई कार्बोनेट के रूप में बाई कार्बोनेट के रूप में कितना होता है, लगभग 70% जो होता है वह बाई कार्बोनेट, और 7% जो होता है वह किसके द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसका परिवहन होता है। ये एक विशेषता की बात है। जबकि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये एक याद रखने योग्य बातें हैं कि बाकी थोड़ा वो 2-3% जो होता है वह प्लाज्मा में होता है, बल्कि 95% या 97% जो होता है वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है यह कार्बोऑक्सिलिक या इसको बोलते हैं कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 25-30% होता है, बाई कार्बोनेट के रूप में कितना होता है 70%, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 60% इसका परिवहन होता है। तो इस प्रकार यह हो गया आपका श्वसन। अब हम देखते हैं अध्याय के अंतर्गत प्रश्न, और इसमें पूछा प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया हुआ है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है। देखिए जलीय जीव उनको भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरत होती है, स्थलीय जीवों में भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन दोनों का जो प्राप्ति स्थान है ऑक्सीजन की वह अलग अलग है। स्थलीय जीव जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, जबकि जलीय जीव क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो दोनों में इस अंतर के कारण क्या होता है कि जल में ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होती है, जबकि वायुमंडल में हमें पता है कि 21% जो होती है ऑक्सीजन होती है, इसलिए जो स्थलीय जीव होते हैं इनको ऑक्सीजन बड़ी ही सुगमता से प्राप्त होती है। स्थलीय जीव सभी जीव हम जानते हैं, स्थल में पाए जाने वाले जीव जैसे मानव हो गया, भेड़ बकरी, विभिन्न प्रकार के जंतु जानवर हो गए, तो यह पक्षी हो गए, यह सब क्या है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जो जलीय जीव होते जैसे मछलियां हो गई, उसी प्रकार से हमने पैरामेशियम की बात की थी, और हमने बात की थी जैसे हाइड्रा जलीय जीव हो गए, या मगरमच्छ हो गया, या मतलब कई सारे जीव, हम यहाँ पे इतनी ज्यादा जीवों की बात नहीं कर सकते, सिर्फ ये जानना है हमें कि वह जलीय जीव जो होते हैं वह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जल में घुली हुई, जबकि स्थल पे रहने वाले जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायुमंडल में। दोनों में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह अंतर होता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अलग होती है, इसलिए जलीय जो स्थलीय जीव होते हैं इनको जो श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन होती है वह स्थल में होने के कारण काफी लाभप्रद उनमें यह श्वसन क्रिया होती है। तो आंसर क्या लिखोगे, जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज्यादा लाभप्रद होता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, और प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पद क्या है। देखिए हमने जब ऑक्सीडेशन, जब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में ये देखा था कि सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन होता है। देखो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन 2 विधियों में होता है, पहला तो जो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला जिसको हम C6H12O6 कहते हैं, यह कार्बन का अणु टूट के पाइरुवेट में बनता है, पाइरुवेट में बदलता है तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह क्रिया
कोशिका द्रव्य में होती है जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद यह पायरुवेट पुनः विखंडित होके माइटोकॉन्ड्रिया पे अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह उसका राइट पद है। इसके अलावा यदि हम पायरुवेट की बात करें तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो यीस्ट होता है वह एथेनॉल दो कार्बन वाले अणु में तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त करता है। उसी प्रकार यदि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी पेशी में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पे लैक्टिक अम्ल बन जाता है और वहां पे पायरुवेट टूट के ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहाँ पे तीन कार्बन वाले में यह विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार ग्लूकोज के अलावा पायरुवेट भी यह ऊर्जा विखंडित होकर ऊर्जा हमें देता है। तो आंसर क्या है, सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज विखंडित होकर तीन कार्बन का अणु देता है जिसे हम पायरुवेट कहते हैं और पायरुवेट पुनः विखंडित होकर ऊर्जा देता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जीवों से भिन्न जीवों ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पद क्या है, तो यह उसके विभिन्न पद होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक तीन, और प्रश्न क्रमांक तीन में पूछा कि मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो हमें पता है कि हमारे लंग्स में जो गैसों के आदान प्रदान के बाद में जो ब्रीथिंग या जिसको हम क्या कहते हैं इनहेलेंट और एक्सहेलेंट से वहां से फेफड़ों से जो रुधिर हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है वह रुधिर परिवहन तंत्र के द्वारा पहुंचता है। और हमारे रुधिर में जो आरबीसी या जिसको हम लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड कार्बन्स कहते हैं इसमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है HB। तो यह ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी मिलकर यह क्या बना लेता है HbCO2। बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के भी रूप में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के भी रूप में होता है। तो यह प्लाज्मा के द्वारा यह होता है और यह आरबीसी में पाया जाने वाले हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है कहां पाया जाता है इस आरबीसी में पाया जाता है, इसके माध्यम से यह परिवहन होता है। तो आंसर क्या लिखोगे, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन एवं प्लाज्मा के द्वारा होता है। जबकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यह 97% जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह 25-30% ही हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करके परिवहन होता है। बल्कि इसका अधिकतर परिवहन बाइकार्बोनेट CHCO3 के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसमें प्लाज्मा के द्वारा यह परिवहन होता है। तो इस प्रकार यह आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक चार, और प्रश्न क्रमांक चार में पूछा कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। देखिए यहाँ पे जो फुफ्फुस की हम बात कर रहे हैं लंग्स या वही फेफड़ा जिसको कि हम कहते हैं कि इसको अधिकतम क्षेत्र को कैसे अभिकल्पित किया। देखिए हमें पता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है यह श्वास नली जिसको कि हम क्या कहते हैं ट्रेकिया फिर कार्य बदल जाता है ब्रोंकाई से ब्रोंकियोस फिर एलुलाई डक्ट और ये कुपिका, इसको हिंदी में श्वास नली श्वसनिका कुपिका कोष तथा कुपिका। कुपिका क्या होता है, इस प्रकार से यह अंगूर के गुच्छे के समान यह छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे होते हैं। कितने होते हैं कुपिकाएं, लगभग हमने बात की थी कि यह 3×10^8 मतलब लगभग 3 करोड़ के लगभग यहाँ पे इसकी संख्या पाई जाती है। और इसकी अगर क्षेत्रफल और एरिया की बात करें तो यह कितनी होती है, यह 400 से 800 वर्ग फीट इतना एरिया यह प्रोवाइड कराता है या उपलब्ध कराता है। इसलिए इसको अधिकतम क्षेत्रफल को अभिकल्पित इसको हमको लंग्स को किया गया है। तो आंसर क्या रहेगा, हमारे फुफ्फुसों के मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक
सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। इस प्रकार गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुसों में अधिकतम क्षेत्रफल अभिकल्पित किया गया है। तो यह हो गया इस प्रकार यहाँ पे अध्याय के प्रश्न समाप्त। इसके बाद देखेंगे हम अगला जैव प्रक्रम जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन या उत्सर्जन।